तो स्वागत। और आज के महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम बात करेंगे, देश के 40% उन बच्चों के बारे में जो 18 साल से कम उम्र के हैं। साथियों, यदि हम पिछले 3 दशकों की बात करें, देश में विकास के कई नए आयाम हुए। हमने आर्थिक विकास किया, हमने सामाजिक विकास किया, आर्थिक विकास किया, तकनीकी विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास किया। हमने हथियार, लड़ने के हथियार, नए नए हथियार बनाने के क्षेत्र में विकास विकास किया। परंतु इन सारे विकासों में एक विकास जो हमने छोड़ा पीछे, वो विकास था हमारा सामाजिक विकास, जिसको हम इन विकासों की आड़ चलते इन सारे विकास को हम पीछे छोड़ते गए, सामाजिक विकास को हम पीछे छोड़ते गए। और उस सामाजिक विकास को पीछे छोड़ने का सबसे बुरा परिणाम या सबसे बुरा असर भी किसी के पड़ा तो वो थे हमारे बच्चे, चाहे वो एडोलसेंट हो, चाहे वो नाबालिग हो। उन बच्चों के ऊपर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव का कारण ये रहा कि बच्चों के साथ होने वाली जो हिंसा है वो निरंतर निरंतर बढ़ती गई। कोविड-19 के दौरान यदि हम इस बात को देखें तो ये हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई। पूरा विश्व जहाँ एक इस तरफ महामारी के से ग्रसित था और महामारी से खिलाफ लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे बच्चे इस महामारी में एक नए भी तरीके के शिकार हो रहे। जब मैंने कहा कि हमने सामाजिक विकास को छोड़ दिया, हम विकास की और दौड़ों में इतने अंधे हो गए कि हमने परिवार को खत्म कर दिया। जहाँ संयुक्त परिवार था, वो संयुक्त परिवार एकल परिवार में कन्वर्ट हो गए। और उस एकल परिवार में कन्वर्ट होने की वजह से बच्चे के पास सिर्फ 2 जने रह गए, उसके माता पिता। यदि माता पिता भी वर्किंग हैं, माँ भी वर्किंग है, बाप भी वर्किंग है, ऐसी स्थिति में तो बच्चे के साथ और भी बुरी स्थिति हो गई। इस पूरे विकास की उसको देखें तो फिर एक सिर्फ छोटा सा आंकड़ा, जो कि अभी इस कोविड-19 के दौरान आप सभी लोग परिचित होंगे, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन से, जो पूरे देश भर में लगभग 500 से अधिक जिलों में कार्यरत है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन के यदि आंकड़ों को देखें और उसको ही समझने से आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रैल 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक देश भर में 48 लाख बच्चों ने 1098 पर फोन करके अपनी समस्याओं को चाइल्ड हेल्प को बताया, चाइल्ड हेल्पलाइन को, और उस चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से सहयोग और मदद मांगने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है। दूसरा एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगी, 2011 से 2018 तक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, नेशनल, अंग्रेजी में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं, उसके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि देश में विगत 7 वर्षों में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा में लगभग 4.5 गुना की वृद्धि हुई है। मतलब कि जहां पहले 2011 में 100 बच्चों के खिलाफ अपराध होते थे, वो बढ़कर के 2018 में 4,500 हो गए हैं, 450, सॉरी 450 अपराध हो गए, 4.5 गुना अपराध बच्चों के खिलाफ बढ़ गए। इतनी बड़ी संख्या में ये अपराध, और यदि इसे सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये संख्या 100 से बढ़कर के 375 हो गई, उनकी तीन लगभग 4.75 गुना अपराध बच्चों के खिलाफ बढ़ गए। इन सारे चीजों को यदि हम देखें और बच्चे के उसकी बात करें,
और हिंसा के स्वरूप की बात करें कि बच्चों के साथ किस किस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, और उसको अलग अलग कैटेगरी, जो हिंसा की कैटेगरीज को अलग अलग कैटेगरीज में भी बात करके देखें, समझ में आ जाएगा हमको कि हम, हमारा संविधान, हमारा समाज इसको पूछता है। हम कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर लेते हैं, कृष्ण के बाल रूप को कहते हैं कि जहाँ बच्चा होता है वहाँ घर में एक अलग खुशहाली होती है, और कई सारी चीजें हम बार बार कहते हैं। हमारा संविधान कह रहा है, हमारा देश कह रहा है कि हम देश, बच्चे देश का भविष्य है। तो हमारे देश का भविष्य को हम किस तरीके से और किस रूप में ले जा रहे हैं, उसकी एक वानगी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, और किस तरीके से बच्चे अपने होने साथ होने वाले अपराधों को 109 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उसकी मदद से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कोविड-19 के दौरान ही ये संख्या बढ़ करके लगभग 48 लाख हुई। तो आप एक समझना, एक पूरा दर्शन। दूसरा एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, और वो चौंकाने वाला आंकड़ा ये, बच्चे जब सुसाइड करने लगते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की यदि विगत 4-5 सालों के आंकड़ों को देखें, निरंतर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आत्महत्या करने की दर बढ़ती जा रही है, जो संकेत दे रही है कि हमारे बच्चे, जिसको हम देश का वर्तमान और देश का भविष्य मानते हैं, वो किस तरह के तनाव में जी रहा है। यदि हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हम संयुक्त परिवार प्रथा की बात करते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे के साथ घर में उसके साथ बातचीत करने वाला, उसके माता थे, उसके पिताजी थे, उसके दादा थे, दादी थे, बुआ थे, वो एक से नहीं तो दूसरे से अपनी मन की बात लगातार कहता था। अब जब हम विकास की, इस अंधे विकास के युग में भाग रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, तकनीकी विकास की बात करें, और जब बच्चा अकेला हो गया माता पिता के अलावा, उसके साथ तीसरा यदि कोई साथी बन के आया, तो वो तीसरा साथी या तो उसका टीवी बन के आया या वो उसका मोबाइल बन के करके आया, वो उसका नया साथी बना। तो अब टीवी और मोबाइल से वो अपनी बात तो कह नहीं सकता, तो अपनी बात कुछ इससे कहेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न कि बच्चा अपनी बात कहाँ पर कहे और किससे कहेगा। जब हम और आगे की बात करें और हम इसके स्वरूप को बात करें, हमने कहा कि इस परिवार, इस पूरे विकास में एक पूरी चीज, तो हम हिंसा के स्वरूप को ही देखें, बच्चे के साथ किस किस तरह से हिंसा हो रही है, किस किस कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तीन मोटे मोटे स्वरूप हैं जिनको हम, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी पहले शारीरिक हिंसा, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है शारीरिक हिंसा की जब हम बात करते हैं, मारपीट के साथ, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, या आपस में भाई बहनों में हो, या आपस में रिश्तेदारों के द्वारा हो, किसी भी तरह से वो हिंसा। दूसरा मानसिक हिंसा, मानसिक रूप से हिंसा भी कह सकते हैं, प्रताड़ना भी कह सकते हैं, सारी चीज जो किस माता पिता के द्वारा की जाती है, स्कूल टीचर्स के द्वारा की जाती है, बड़े भाई बहन के द्वारा छोटे भाई बहन के द्वारा की जाती है, की जा रही है। भावनात्मक हिंसा एक और जो नया भावनात्मक, यदि हम इन हिंसाओं को और यदि विस्तृत करके देखते हैं शारीरिक हिंसा के रूप में, यदि हम पहली बात को पहला चीज देखते हैं शारीरिक, और एक एक, एक उदाहरण के साथ, माँ ने कहा कि इस गिलास को उठा करके अंदर कमरे में रखियो, बच्चे का इच्छा खेलने की है, माँ ने कहा कि काम करो और माँ के सामने कर पिटाई करनी चाहिए, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, पढ़ो 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 पढ़ो, बच्चा पढ़ने की जाए, बच्चे की इच्छा हो रही खेलने की, पिताजी ना करके उसकी पिटाई कर, पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है, दिन भर खेलने का काम है, और उसकी पिटाई। वो छोटे छोटे कारण
आपसी बात को ना समझ पाना, बच्चे की भावना को ना समझ पाना और अपने निर्णय को उसके ऊपर थोप देने की स्थिति, बच्चे के द्वारा उसका विरोध करने पर आप उसके साथ मारपीट करते हैं, शारीरिक हिंसा का एक बड़ा भावनात्मक हिंसा की बात करें, बच्चे से नहीं बोलते, बच्चे की बात को नहीं सुनना, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं बच्चे ने बार बार कहा कि मेरे को पेंसिल चाहिए, मेरे को किताब चाहिए, मेरे को कपड़े चाहिए, आप बच्चा बात आप इमोशनली आप बच्चे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं पहले आप ये करोगे फिर आपको लुटेंगे। तो बच्चे के बीच में जहाँ डायलॉग करने के लिए पहले हमारे पास एक दादा थी, दादी थी, बुआ थी, मामा थी, चाचा थे, वो सब अब उससे अलग हो गए, अब सिर्फ बच्चे के साथ माँ, वो उस वहाँ पे फिर ये सारी चीजें हो रही हैं कि बच्चा अलग अलग तरीके से हिंसा का शिकार हो रहा है, और जब वो खुद हिंसा का शिकार हो रहा है तो वो फिर दूसरे के साथ भी इस शिकार को, इस तरह की हिंसा को करने के लिए तैयार होता है। आवाज की कोई समस्या आ रही है? अब अगर ये पूजा में आवाज आ रही है तो फिर मुझे बताते हैं, क्योंकि मुझे बार बार सब लोग कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। अब आवाज सही होगी, मैंने इसको आवाज को और बढ़ा दिया है तो साथियों, ये हिंसा के कुछ रूप जिसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा था। और जी, हम और आगे बात करें, और परिवार की भी मैं बात, परिवार में ही अभी बात कर रहे हैं हम, पक्षपात, लड़के लड़की के बीच में पक्षपात, लड़की लड़की के बीच में पक्षपात, बड़े ऊपर छोटे बड़े के बीच में पक्षपात, ये जो पक्षपात है, ये पक्षपात भी कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक भाव तरह की हिंसा को पैदा करता है, और वे इस तरह के हिंसा के स्वरूप को बताता है और दिखाता है। इन सबके बीच में अब यदि हम COVID-19 की स्थिति के ऊपर को देखें, तो अब जबकि विगत 7-8 महीने से इन सारी चीजों के ऊपर और विचार करें, देखें, समझ में आता है कि यदि एक तरफ जहां हम कह रहे हैं कि रोजगार, परिवारों के रोजगार चले गए हैं, परिवार में सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है, परिवार में मूवमेंट खत्म हो गया है, उन सारे चीजों के अलावा ये तीसरी जो चीज है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, वो प्रभावित हुए हो रहे हैं हमारे बच्चे, उनका सारा मूवमेंट, चाहे वो खेलने कूदने की स्थिति होता है, लिखाई पढ़ाई की स्थिति हो, चाहे वो उसका स्कूल जाने की स्थिति हो, चाहे दूसरी तरह की भी स्थितियां हो, उन सारी स्थितियों में वो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, और वो बच्चे ही सबसे ज्यादा हिंसा के शिकार हुए। मैंने आपको शुरू में एक आंकड़ा बताया था, वो जो इस चीज की बताता है कि यदि 48 लाख बच्चे देश भर में चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी घटना को उनको बताते हैं, तो वो एक चीज ये दिखाता है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों की भावनाओं को उसको डैमेज कर रहा है। साथियों, इसके साथ साथ आगे अजी और आगे बढ़े हम, और इस COVID-19 के दौरान या उससे पहले की स्थिति को देखें, आप देख रहे हैं रोजाना अखबार पढ़ रहे हैं, कभी आपने विचार किया कि जी एक 15 साल का बच्चा या एक 14 साल का बच्चा या एक 10 साल का बच्चा आत्महत्या करने के बारे में सोचता है और आत्महत्या कर लेता है, तो उस परिवार के बारे में और उन बच्चों के बारे में क्या होगा? मैंने एक अध्ययन किया राजस्थान जयपुर में, कोटा में
सुसाइड के केस बहुत ज्यादा हो रहे थे, उन सुसाइड के केसेस के कारणों का, कि वो क्या कारण है कि जिस वजह से बच्चा, जिसके माता पिता इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको अच्छे से कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, इतने पैसे उसके लिए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं, लाखों रुपए खाने पीने के ऊपर खर्च कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा कुछ इंसान बन जाए, तो फिर वो आत्महत्या की तरफ क्यों बढ़े? जब इस चीज को जानने का प्रयास किया, और हम बार बार कह रहे हैं, क्या इस विकास के युग युग में बच्चे, परिवार में बच्चे को एक संसाधन बना दिया है? आज हर माँ बाप ये चाह रहा है कि उसका बच्चा, चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, और वो उस अंधी दौड़ में भागा फिर रहा है, और उसके लिए वो जो भी कुछ करने के लिए तैयार है, वो उसके लिए प्रयास कर रहा है, चाहे उसको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजना, अच्छे कॉलेज में भेजना, अच्छे स्कूल में भेजना, लेकिन वो क्या कभी बच्चे से पूछ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो? एक बच्चा जिसने सुसाइड किया, उसके सुसाइड के कारणों का अध्ययन करने के लिए जब हमने उसकी केस डायरी और जो उसने अपना जो लिख करके दिए छोड़ा था, उसने अपने पिताजी को और अपनी माताजी को एड्रेस करते हुए लिखा, पिताजी आपने मेरे को खूब अच्छी शिक्षा दी, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, आपने हमेशा जैसा करना चाहा मैंने करने की कोशिश की, मैं उसमें प्रयासरत भी था, लेकिन आपने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि तू क्या करना चाहता है। मैं चाह रहा था कि मैं एक अच्छा पेंटर बनूं, अच्छा डिजाइनिंग आर्टिस्ट बनूं, लेकिन आपने कभी मेरी भावनाओं को नहीं सुना, ना कभी मेरी भावनाओं को जानने का प्रयास किया। आज मैं नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने तो जा रहा हूँ, आपने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? मैं जिस क्लास में बैठा हूँ, जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है, वो जो मुझे पढ़ा रहा है, क्या मैं वो समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ? आपने मुझसे कभी जानने की कोशिश नहीं की, और मैं अब अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को अपनी जान देने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं निकल रहा, मुझे माफ करना। और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। इसी तरीके से एक लड़की ने सुसाइड किया, उसके पीछे कारण ये था कि सुबह से लेकर के शाम तक उस कोचिंग के काम और उसमें इतनी ज्यादा अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करने लगी कि वो उसने अपनी जान, और लड़की थी मात्र 16.5 साल की। ये सारी स्थितियां बन रही हैं, और यदि हम जब बच्चों के साथ हिंसा की बात करते हैं, बच्चों की तरफ बढ़ने वाली हिंसाओं की बात करते हैं, हम वापस विकास की बात कर रहे हैं, तकनीकी युग की बात कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि हर एक के पास मोबाइल आ गया है, आप सीरियल टीवी, आज हर घर में टीवी हो गया है, हम मोबाइल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बच्चों के सामने क्या लेकर के आ रहे हैं? आज स्थिति यह है, चाहे आप मोबाइल को उठा करके ले लीजिए, चाहे आप टीवी को देख लीजिए, वो आपको फोटो क्या दिखा रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे, और मैं
महसूस भी करेंगे कि बच्चे जब एक 10 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है, एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, ये उसका यौन शोषण हो जाता होता है, एक 12 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या उस बच्ची का क्या अपराध था? या एक 10 साल के बच्चे के साथ एक 62 साल का बुजुर्ग यौन शोषण करता है, उस अपराध किसका था? क्या वो बच्चा अपराधी था? या बच्चे की कोई गलती थी कि उसने उस 62 साल के बुजुर्ग को विश्वास किया? या वो 5 साल की बच्ची का क्या अपराध था कि एक 22 साल की बच्ची ने उस 5 साल की बच्ची के साथ? तो जब मैं शुरू में कह रहा था कि हमने हमने हमारे सामाजिक विकास को बहुत पीछे छोड़ा, हम अपने सामाजिक विकास के ऊपर काम ही नहीं किया, वो लोग बड़े हैं जो कुछ सुन रहे हैं, वो एक बार पीछे जाके देखिए अपने साथ, हम देखते हैं, हम पाते हैं कि ये हमारे मोहल्ले में, घरों में, अड़ोस पड़ोस के जो साथी लोग थे वो भी एक नजर ही रखते थे कि कौन बच्चा कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज स्थिति ये हो गई है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचान पा रहा, किसका बच्चा है किसका बच्चा नहीं है आज हम वही नहीं पहचान पा रहे, ना पहचान पा रहे। और ये सब कारण बन रहे हैं कि जहाँ बच्चों के साथ इस तरह की हिंसाएं बढ़ रही हैं, इस तरह के अपराध बच्चों के साथ बढ़ रहे हैं। और यदि हम बात करें कि कारण क्या है, यदि आपके पास मोबाइल है तो आज आपके पास मोबाइल में वो सारी चीजें आप बड़े आसानी से देख सकते हैं जो उपलब्ध हो जाएंगी, जिसको हम कह रहे हैं कि विकास। आप मोबाइल के माध्यम से किसी भी तरह की पोर्न फिल्में देख, तो फिर हम कह रहे हैं कि संस्कृति संस्कृति की बात करते हैं, हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, तो फिर वो संस्कृति की बात करने वाले जो लोग हैं वो कभी इस संस्कृति की बात क्यों नहीं कर रहे कि ये जो सारा विकास है, इस सारे विकास के साथ साथ हम सामाजिक विकास की बात कर, हिंदू संस्कृति की विकास की तो बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं के बचाने की तो बात कर रहे हैं, हम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों के बचाने की बात नहीं कर रहे, इन हिंसा से बचाने की बात नहीं कर रहे। कोई घटना हो जाती है उसके बाद सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई घटना ना हो, ये घटनाएं ना हो उसको लेकर के कोई बात नहीं कर रहा, कोई तो घटना ना हो इसके लिए भी इसके बारे में हमें बात करनी होगी कि वो घटना ना हो तो क्या कर, वो हम इसके आगे सुझाव के जब बात करेंगे जब उसके ऊपर हम इसकी बात। शिक्षा को लेकर के बोलते हैं हम, करेंगे शिक्षा में हम बहुत नए नए आयाम की, और ये कोरोना काल में उस शिक्षा को लेकर के और भी ज्यादा दुविधाएं और दिक्कत बच्चों के साथ पैदा हुई, और वो दुविधाएं और बच्चों के साथ वो कहीं ना कहीं और बच्चों को इरिटेट कर रही है, बच्चों को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशान कर रही है, और वो है उसमें एक जो सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है वो है हमारी ऑनलाइन शिक्षा, ई एजुकेशन। अब ई एजुकेशन के नाम पर देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम, हम एक तरफ जब विकास की बात कर रहे हैं हमने कहा कि ई लर्निंग ई एजुकेशन को लेकर के पिछले 2-3 सालों का भी आप इतिहास उठा करके देखें, सिर्फ 2-3 सालों का ही, तो आपको समझ में आएगा कि देश भर में इस ई लर्निंग को लेकर के किस किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट सेक्टर ने आए और उनके ने इस पूरे उसको लेके, क्या ये ई लर्निंग सफल है? एक आंकड़ा जो सरकार का ही है, सरकार के द्वारा ही दिया गया है,
वो आंकड़ा ये कहता है कि देश भर में मात्र 1 गांव की आबादी का, देश की रूरल पॉपुलेशन को का परसेंटेज, तो लगभग 70% आबादी हमारी रूरल पॉपुलेशन की, और उस रूरल पॉपुलेशन में से मात्र 15% लोग ही इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। वहीं शहरी आबादी में ये लगभग 42% है, यानी कि 70% में से 15%, शेष जो 30% शहरी आबादी है उसका 42% हमारा शहरी आबादी उसको इंटरनेट को यूज कर पाता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है हमारे इसमें, जब ना 70% आबादी में मात्र यानी कि 15% लोग नेट को यूज कर पा रहे हैं, जो तो किस तरह से हमारी ग्रामीण आबादी इस पूरे उससे वंचित रह रही है। 42% यानी कि 50% लोग भी अभी तक हमारे शहरी क्षेत्र के इस इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे किस तरीके से ई लर्निंग को कर। और एक आंकड़ा, और वो आया डिफरेंस पैदा करता है बालिका शिक्षा और पुरुष और महिलाओं के बीच। देश भर का मैं ये अध्ययन से ये निकल करके क्या आया है कि मात्र 16% महिलाएं ही इंटरनेट को यूज कर पा रही है, यानी कि इंटरनेट को यूज कर रही है, उसके उपलब्ध है मोबाइल, मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध है, उनके पास मोबाइल है जिसको वो एक्सेस कर पा रही है, वो मात्र 16% ही महिला टोटल आबादी महिला आबादी, और 36% पुरुष मोबाइल इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम इस पूरी चीजों को बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखें, और एक एग्जाम्पल एक और उदाहरण जो मैं जिस जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ, जहाँ बच्चे मेरे साथ हमारे साथ आते हैं अपनी बातों को करते हैं, बच्चों के माता पिता आते हैं, और बात एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे के माता पिता आकर के कहते हैं कि सर, इस ऑनलाइन एजुकेशन के बाद दौरान बच्चा हमसे तो कह रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, लेकिन बच्चा उस ऑनलाइन क्लास को ना लेकर के उस ऑनलाइन क्लास की आड़ में गेम खेलता रहता है या दूसरी एक्टिविटीज के माध्यम से करता रहता है। एक बच्चे के पास में तो कहा कि भाई ये तो इसके पास पता नहीं ये फोन फिल्मों की साइट कहाँ से आ गई, ये ऑनलाइन क्लास के ना जब जब भी इसको ऑनलाइन क्लास में देखते हैं ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं। एक गांव के व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरे को मेरे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मेरी एक गाय बेचनी पड़ी, और उस गाय बेच करके मैं उसके लिए मोबाइल लेकर के आया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ गांव में तो इंटरनेट ही नहीं आ रहा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस आंकड़ों को देखते हैं, उससे देखते हैं तो अखबार यदि हम अध्ययनों की बात करें, जेके लोन हॉस्पिटल के में डॉक्टर अशोक गुप्ता हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया कि इस ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो अध्ययन भी बहुत चौंकाने वाला अध्ययन था, उसकी जो फाइंडिंग्स आई थी वो भी बहुत चौंकाने वाली फाइंडिंग थी, और वो आए उनका ये कहना था कि बच्चों के में मानसिक रूप से एकाग्रता खत्म हो गई है, बच्चा मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, उसको सीखने और समझने की जो क्षमता है वो कम कम होती जा रही है, बच्चों की आंखों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चा जितना अच्छा लर्न सीख रहा 1-to-1 उस क्लासरूम में सीख रहा था, उसको सीखने की स्थिति स्कूल में और कम हो गई है, उसकी समझने की क्षमता, बच्चा स्ट्रेस महसूस कर रहा है अपने आप को कि वो अपने प्रश्नों को किस तरीके से किस
शख्स से सामने पूछो। तो हम ये कह रहे हैं वो पूरे देश भर में इस COVID-19 के दौरान जो तो लगातार लगातार शिक्षा के ऊपर काम करने वाले शिक्षाविदों की, शिक्षा के ऊपर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं संगठनों की कोई देखे तो वो हर व्यक्ति का ये मानना है कि इस ऑनलाइन शिक्षण पद्धति ने बच्चों को एक और नए दुविधा में खड़ा कर दिया है। और वो नई दुविधा ये है कि बच्चों के साथ बच्चों में मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों के अंदर ज्यादा झगड़ालू झगड़ने की स्थिति पैदा हो रही है। तो फिर इसको करना क्या है, क्या बच्चे के साथ और कोई तरीके से काम किया जा सकता है COVID-19 के दौरान या COVID-19 के बाद जब लॉकडाउन खुला था? लॉकडाउन में देखिए कि बच्चों के लिए वो सारे स्पेस अभी भी नहीं खुले जहां वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मेरे घर के आसपास दो पार्क हैं। उन दो पार्कों में शाम के समय जिस तरीके से बच्चे खेलने आ रहे थे, आज लॉकडाउन खुलने के उपरांत भी उस पार्क में एक या दो बच्चे ही खेलने आते हैं, वो भी खेल नहीं रहे, सिर्फ आकर के बैठ जाते हैं, मुंह पर पट्टा बांध ले बांध करके आना पड़ रहा है। ना तो वो खेल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण के लेकर के वो हैं, बच्चे कह रहा है कि साहब मेरे पास घर में एक मोबाइल है, वो मोबाइल पापा ले जाते हैं तो मैं कैसे पढ़ूं। स्कूल वाले कह रहे हैं कि साहब बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, बच्चे के पास वो है नहीं, बाप पिताजी से कह रहे हैं कि मैं कैसे ऑनलाइन इसके लिए मोबाइल की अरेंज करूं, मेरे पास रोजगार के साधन ही नहीं है। मेरे जो इनकम पहले मैं 5,000 रुपये कमा रहा था, आज मैं 1,000 2,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं मोबाइल कैसे लेकर के आऊँ। दिन भर बच्चा घर में बैठा है, करे क्या, टीवी देखेगा या चुपचाप बैठा रहेगा? टीवी देखेगा तो फिर वो सारी चीजें वो देखेगा। तो बच्चे के साथ किस तरीके से ये सारी चीजें गतिविधियां होंगी इसके ऊपर लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया। और इसमें भी यदि बच्चों की बात करें, वो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिसमें डेफ एंड डम बच्चे हो गए, जिसमें मेंटल रिटायर्ड बच्चे हो गए, जिसमें आपके ब्लाइंड बच्चे हो गए, उन बच्चों के साथ तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम समस्या पैदा हो गई। बच्चे जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसी शिक्षण संस्था से जुड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं जा करके 4 से 5 घंटे व्यस्त रहते थे, उनके साथ एक कार्य काम हो रहा था। लेकिन इस COVID-19 के दौरान वो बच्चे जब उन सारी चीजों से नहीं गए तो वो शिकार हुए परिवार में हिंसा के, मारपीट के। पिता एक घर में एक मूकबधिर बच्चा है, वो अपनी बात को अपने माता पिता से नहीं कह पा रहा है, माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो उसकी साइन लैंग्वेज नहीं जानते। जब वो साइन लैंग्वेज नहीं जानते तो फिर वो उसके साथ कुछ भी चीज की आवश्यकता होती है तो उसको नहीं बता पा रहा है, वो जब नहीं बता पा रहा है तो नहीं समझ पा रहा है तो माता पिता उसके पास। आप देखिए कि आज की स्थिति में ये हमारे बच्चे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। पिता यदि कहीं नशा कर रहा है तो वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा। तो क्या हो, COVID-19 के दौरान अभी और समस्या की बात करें, बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है, सब दिन भर घर में बैठा रहता है, क्या कर रहे हैं? तो साहब मजदूरी करा लो, कुछ काम करेगा साहब, कुछ पैसे आ जाएंगे घर। बाल श्रम की स्थिति बढ़ती जा रही है और इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बाल श्रम से निकल आए, बड़ी संख्या में बच्चों को ट्रैफिकिंग करके एक
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाके बाल मजदूरी कराने के लिए दूसरी दो संख्या वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चे पढ़ नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा, तो माँ बाप कह रहे कि घर में बैठी बैठी बच्ची क्या करेगी, तो शादी कर। इस दौरान हम देख रहे हैं कि बाल विवाह की स्थिति, बाल विवाह लगातार बढ़ता जा रहा है, बाल विवाह की घटनाएं आ रही हैं, खूब सारी घटनाएं जो करते हैं, रोज ना पढ़ रहे कि एक ना एक जगह कहीं ना कहीं बाल विवाह आ रहे। इस COVID-19 के दौरान ही दो बाल विवाह के केस हमारे साथी ने रुकवाए। ये सारी चीजें हैं जो बच्चे के साथ इस दौरान हिंसा को बढ़ाने की रही है। तो अब करना क्या है? कहीं ना कहीं हमें वापस हमारे सामाजिक विकास की ओर आना पड़ेगा। हमें हम तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, सारे विकास कर लें, लेकिन साथ के साथ में हमें सामाजिक विकास के ऊपर भी चर्चा करनी होगी। तो सामाजिक विकास के ऊपर चर्चा करनी होगी तो क्या हमें मोहल्ला समूह बनाने पड़ेंगे, मोहल्ला महिला समूह बनाने पड़ेंगे, महिला ग्रुप बनाने पड़ेंगे? आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर महिलाओं के फ्रेंड्स ग्रुप हैं, पुरुषों के फ्रेंड्स ग्रुप हैं, बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज हैं उन सोसाइटीज में फ्रेंड्सों के उसके ग्रुप हैं। तो क्या हमें इस तरह के ग्रुप बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हम इस तरह की चर्चाएं आपस में बैठ करके की जाए? क्या हमें इस तरह के मटेरियल्स और इस तरह के दस्तावेजों को उपलब्ध कराना को तैयार करना पड़ेगा जहाँ पर हम समूह के रूप में, समूहों में इन महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बातचीत कर सकें, उनकी आपसी परेशानियों, समस्याओं को के ऊपर चिंतन कर सकें, उनके ऊपर सॉल्यूशन निकाल सकें? तो मोहल्ला समूह, वार्ड समूह हमें महिलाओं के और बच्चों के, पुरुषों के अलग अलग बनाने पड़ेंगे। उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं जो दूरियां बढ़ गई हैं आपस में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में दूरियां जो खत्म बढ़ गई हैं, उस दूरियों को खत्म करना पड़ेगा। जब हम पड़ोसी पड़ोसी के बीच की दूरी को खत्म कर पाएंगे तो शायद हम बच्चे के साथ होने वाली हिंसा को भी कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। हमें बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने के तरीकों को बताना पड़ेगा कि मैं बच्चे से कितनी बात पूछ रहा हूँ कि आपके साथ किसी तरह की क्या समस्या है, आपके दिन भर की क्या बात गतिविधि रही, उसको पूछना पड़ेगा बच्चे से। बच्चों के साथ बैठ के पूछना पड़ेगा कि वो अपने मन की बात इसको करे। तो वो चीजें हैं हमें शायद अब बच्चों के साथ साथ, बच्चों के पिता पिता के साथ, समाज के साथ भी एक अलग तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता में यह है कि हम किस तरीके से वार्ड स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर बच्चों के और बच्चों के माता पिता के साथ इंटरेक्शन करें, बच्चे के माता पिता आपस में इंटरेक्शन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, बच्चों के साथ होने वाली हिंसाओं को रोका जा सके। हमें और उस तरह के प्लेटफॉर्म इजाद करने पड़ेंगे जहां बच्चे के माँ बाप किसी भी तरह की समस्या बच्चे के साथ आ रही है या बच्चे के किसी भी हरकत को लेकर के आ रही है, उसकी काउंसलिंग की हम आवश्यकता है, तो हम उसकी काउंसलिंग के लिए हमें वो स्पेस बनाने पड़ेंगे, वो स्थान बनाने पड़ेंगे जहाँ बच्चे के माँ बाप आकर के अपने बच्चों की समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकें, सुझाव लग सकें। यदि हम कह रहे हैं कि बच्चा हमारा भविष्य, बच्चा हमारा वर्तमान है, तो हमारे देश के वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए हमें सामाजिक विकास की ओर प्रयास करने पड़ेंगे और सामाजिक विकास की गति को बढ़ाना पड़ेगा। सामाजिक विकास के ऊपर हमें और अब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तब हमारे देश के बच्चे के भविष्य को हम बचा पाएंगे, देश के भविष्य को निखार पाएंगे। अन्यथा जिन आंकड़ों का मैंने जिक्र किया, बाकी बच्चियों के साथ होने वाले हिंसाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है,
बच्चों के साथ होने वाली अपराध, दूषित आत्महत्याओं की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमें बाधक बनेंगे हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए। एक और चीज को देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दिया और हम हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। जब हम इसके ऊपर विचार करते हैं और इसके ऊपर देख तो हमें लगता है कि शायद हम हमारे बच्चों को, जिसको हम कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को, हम ऐसा कुछ भी नहीं दे करके जा रहे हैं कि तकनीकी विकास के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आवश्यकता होगी उन लोगों के लिए के साथ काम करने की जो बुजुर्ग हो गए हैं। मतलब जब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो हमें वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बच्चा तो फिर यही कहेगा कि अच्छा मैं क्या करूं, मैं इसको रख के मेरे पास तो एक कम जगह है नहीं, मैं मेरे माँ बाप को कहाँ रखूं। तो इसको माँ बाप को रखने के लिए, फिर एक बुजुर्गों को पालने के लिए भी सरकार को एक अलग से व्यवस्थाओं की आवश्यकता करनी पड़ेगी। तो जब अभी तो हम बच्चों को व्यवस्थित की बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में फिर हमें एक और तरीके का नया विकास करना पड़ेगा, और वो विकास करना होगा कि उन बुजुर्गों को जो जो 50 साल के कंप्लीट हो गए या जो नौकरी से रिटायर हो गए हैं, उनको रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए हमें वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या ये हमारी शिक्षा, ये हमारा विकास इन सारी चीजों से खोल रहा है कि जहाँ हम एक तरफ बच्चे के साथ इस तरह की हिंसाएं की को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आने वाले समय में ये भी देख रहे हैं कि देश में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उन बुजुर्गों को देखभाल करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमें वृद्धाश्रम या इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। यदि ऐसा हो होगा तो फिर हम किस विकास की बात कर रहे हैं और हम विकास को किस रूप में देख रहे हैं। आवश्यक ये आज की ये है, आज आवश्यकता ये है कि हम सामाजिक विकास को भी एजेंडे में शामिल करें। जब हम सामाजिक विकास की बात करेंगे तो हमें आर्थिक विकास को सामाजिक विकास के साथ जोड़ना पड़ेगा, तकनीकी विकास को सामाजिक विकास के साथ जोड़ना पड़ेगा, शिक्षा को सामाजिक विकास के साथ जोड़ना पड़ेगा, स्वास्थ्य विकास, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हमें सामाजिक विकास के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ करके देखेंगे तब हम कहेंगे कि शायद हम कुछ सकारात्मक कर पाएंगे अपने समाज के साथ। हम जिसको अपना देश का वर्तमान मान रहे हैं, देश का भविष्य मान रहे हैं, उन देश के वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए तब हम कर पाएंगे समाज के लिए, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए। दोस्तों मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहता हूँ। यदि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ कोई कमेंट्स कमेंट के रूप में कोई सवाल नहीं देख पा रहा हूं मैं, तो मैं ये चाह रहा था कि शायद किसी तरह के कोई कमेंट कोई सवाल हो तो हम उसके ऊपर बात करें, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और अपेक्षा यही है कि हम किस तरीके से, किस प्रकार हमारे वर्तमान और भविष्य को बचा पाएंगे उसके ऊपर मिलकर के काम करें। किसी को यदि मेरे से अपने बच्चों के संदर्भ में किसी भी, मैं जयपुर में महिला थाना गांधीनगर में एक सेंटर चला रहे हैं जिसका नाम है सिने आंगन, वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर चिल्ड्रन।
मैं आप मैं कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूँ मेरा मोबाइल नंबर। आप मुझसे यदि किसी भी तरह की सलाह मशवरा बच्चे के संदर्भ में, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात को और अपनी समस्या को बच्चे से की काउंसलिंग की जरूरत है तो आप बच्चे को हमारे सेंटर पर ला करके बच्चे के माता पिता के साथ हम काउंसलिंग की व्यवस्था, हमारे पास दो काउंसलर्स हैं जो बच्चों के साथ लगा सिर्फ बच्चों के साथ ही काम करते हैं। आप इसमें मुझसे संपर्क कर सकते हैं आकर के, बच्चों के बारे में किसी भी तरह की चीज हो उसके बारे में आप। तो धन्यवाद साथियों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।